चलिए आज देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन आपको एक से लेकर के 7 तक पिछले क्लास में बता दिए थे, ठीक है। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा तो जैसे ये टेन इनवर्स में है तो इसको भी टेन में लाना है। तो टेन में लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय टेन में लाने के लिए कॉस एक्स से डिवाइड करेंगे। किस में, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर में। कॉस एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपको टेन इनवर्स वन माइनस साइन बाय कॉस आपको टेन एक्स डिवाइड में वन प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से टेन इनवर्स वन को लिखेंगे टेन पाई बाय फोर माइनस टेन एक्स डिवाइड में वन प्लस, इसमें टेन पाई बाय फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे और टेन एक्स। ये क्यों किए, तो यहाँ से फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनेगा, टेन ए माइनस, टेन ए माइनस टेन बी बट्टा में वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी होता है टेन ए माइनस बी, ठीक है। तो ये जो वन को है टेन ए पाई बाय फोर लिख दिए, तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया, टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन इंटू टेन बी का फार्मूला बना ये। तो यहाँ से ए का काम पाई बाय फोर कर रहे हैं, बी का काम एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ से लिखेंगे टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स। अब यहाँ से टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है मतलब, तो यहाँ से पाई बाय फोर माइनस एक्स आपका आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म का, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 में है टेन इनवर्स एक्स बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका फॉर्म होता है। अगर आप ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म देख रहे हैं तो इसमें पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, जब ये ए साइन थीटा पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स बाय ए इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। अब ये साइन को इधर शिफ्ट करवाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करेंगे तो आपको हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स के जगह ए साइन थीटा डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड में रूट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इक्वल टू में हो जाएगा टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड में रूट के अंदर ए स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है आपको कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको रूट से फ्री करेंगे तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइड में ए कॉस थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर दो बार रूट से तो एक बार आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा दो बार है रूट में तो एक बार आएगा, ये ए और ये ए कैंसिल हो गया, तो साइन बाय कॉस टेन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, और यहाँ से थीटा की जगह यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थीटा की जगह यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बाय ए आंसर हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। टेन क्या है, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाय वन माइनस वन ए क्यू, ये ए क्यू माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर ये है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले टेन थ्री ए का फॉर्मूला होता है, टेन थ्री ए इक्वल टू होता है थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर।
अब यहाँ से x के जगह पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू a tan थीटा, ये फॉर्मूला के देख करके। तो यहाँ से x by a इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स x by a इक्वल टू हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पुट कर देंगे tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x के जगह a tan थीटा माइनस ए क्यू, एक्स क्यू है तो ए क्यू टेन क्यू थीटा बट्टा में ए क्यू माइनस थ्री ए, और ए स्क्वायर है एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से टेन इनवर्स ए क्यू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा, ओके। नीचे भी ए क्यू कॉमन ले लेंगे तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए क्यू और ए क्यू कैंसिल तो टेन इनवर्स थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाय वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा हुआ। अब यहाँ से देखिए ये जो फार्मूला लिखे हैं टेन थ्री ए का, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं tan 3 थीटा, ठीक है। tan इनवर्स tan 3 थीटा, बस एक जगह थीटा है तो यहाँ से हो जाएगा आपको 3 थीटा, तो 3 और थीटा के जगह से यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x बाय a, tan इनवर्स x बाय a, ये सिंपलेस्ट फॉर्म का आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या है, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाय टू, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है तो अब यहां से लिखेंगे टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स, और ये एक बट्टा दो कितना डिग्री तो साइन पाई बाय सिक्स, ठीक है। अब यहां से हो जाएगा टेन इनवर्स टू कॉस टू, और यहां से साइन इनवर्स साइन पाई बाय सिक्स आपको एग्जिस्ट करेगा पाई बाय सिक्स, तो यहां से टेन इनवर्स टू कॉस ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा पाई बाय थ्री। तो टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाय थ्री का वैल्यू वन बाय टू, टू टू कट गया तो टेन इनवर्स आपको वन बचा, और टेन इनवर्स वन को लिखेंगे ये टेन इनवर्स वन तो ये टेन पाई बाय फोर हो जाएगा, एग्जिस्ट करेगा आंसर पाई बाय फोर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पाई बाय फोर आंसर हो गया। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12 नंबर क्या है, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए की वैल्यू जो है तो यहाँ से फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू होता है ये फार्मूला। तो यहाँ से देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय टू होता है, तो यहाँ से ए है टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो ये पाई बाय टू हो जाएगा, कॉट पाई बाय टू बन गया और कॉट पाई बाय टू की वैल्यू जीरो आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जीरो आंसर हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, टेन वन बाय टू साइन इनवर्स टू एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर बाय वन प्लस वाई स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से सबसे पहले सॉल्व जो करना है तो यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे, टू टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है टेन इनवर्स टू एक्स बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर टेन के फॉर्म में, ठीक है।
साइन के फॉर्म में होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद कॉस के फॉर्म में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टेन का फॉर्मूला, 2 टेन इनवर्स x का साइन कॉस टेन का फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टेन 1 बाय 2 और यहाँ से साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 10 के फॉर्म में हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x प्लस ये कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से 2 टेन इनवर्स x, तो यहाँ y कर देंगे y स्क्वायर, तो यहाँ 2 टेन इनवर्स y, तो यहाँ हो जाएगा 2 टेन इनवर्स y। अब यहाँ से दो कॉमन है तो टेन 1 बाय 2 दो कॉमन ले लेंगे तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y दो कैंसिल हो गया तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ से टेन टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स के इक्वल होता है तो यहाँ से हो जाएगा आपको एक्स के जगह एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या है, साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो साइन को, ये साइन को उधर से कर देंगे तो इधर बचेगा क्या, साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये साइन उधर चला गया तो इनवर्स में आ जाएगा, तो यहाँ से साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 को लिखेंगे साइन पाई बाय 2। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, तो यहाँ से पाई बाय 2 किसके इक्वल, तो साइन इनवर्स 1 बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब यहाँ से साइन इनवर्स 1 बाय 5 को रहने देते हैं, पाई बाय 2 अब माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये कॉस इधर आ जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ से ये जो आया तो यहाँ से फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ से फार्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2। तो यहाँ से देखिए पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इसके इक्वल साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इधर किसके इक्वल साइन इनवर्स 1 बाय 5, साइन इनवर्स ये, तो यहाँ से 1 बाय 5 इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू 1 बाय 5 आंसर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 15 क्या है, टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4। इसमें x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से देखिए इसको हम x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे, तो यहाँ से फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ से x और y, तो यहाँ से फार्मूला बनेगा टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 डिवाइड में 1 माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये टेन इनवर्स को उधर चला जाएगा तो टेन पाई बाय 4 हो जाएगा, तो इधर बचेगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डिवाइड में 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ये आपको हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, डिवाइड में x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू टेन पाई बाय 4। तो अब यहाँ से देखेंगे टेन पाई बाय 4 जो आया तो इसको जो एलसीएम लेंगे इस पे एलसीएम, तो ये एलसीएम आ जाएगा आपको x माइनस 2 और x प्लस 2, तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1
एक्स प्लस टू माइनस माइनस नहीं प्लस प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू डिवाइड में इसका भी एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, तो यहाँ से आएगा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन नहीं एक्स एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू एलसीएम आएगा, ये माइनस टू और ये प्लस टू, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू माइनस में एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, ठीक है। किसके इक्वल, तो टेन पाई बाई फोर की वैल्यू होता है वन, ये वन आ गया। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, तो इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, ठीक है, प्लस टू एक्स माइनस टू। फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू डिवाइड में ई एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस चार माइनस एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। किसके इक्वल, वन के इक्वल। अब यहाँ से देखिए ये टू एक्स प्लस में और यहाँ टू एक्स माइनस में, ये एक्स प्लस में और एक्स माइनस में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपको हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस टू और माइनस टू माइनस फोर डिवाइड में ये जो माइनस यहाँ जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वन, तो यहाँ देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय माइनस थ्री इक्वल टू वन, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर, टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाय टू, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन बाय रूट टू आंसर हो गया, ठीक है। उसी के साथ देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन टू पाई बाय थ्री। तो देखिए साइन का जो रेंज होता है वो आपको माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू होता है, तो ये जो है माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में नहीं आता है, तो इसमें टू पाई बाय थ्री को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री। तो साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो यहाँ से साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये पाई बाय थ्री, तो साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ से आपको हो जाएगा थीटा का मतलब पाई बाय थ्री आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये पाई बाय थ्री। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 क्या है, टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाय फोर, तो यहाँ से टेन इनवर्स टेन थ्री पाई बाय फोर को लिखेंगे पाई माइनस पाई बाय फोर। अब ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है रेंज माइनस पाई बाय टू से लेकर के प्लस पाई बाय टू ओपन होता है, लेकिन ये उससे बाहर है, तो इसीलिए इसको अंदर शिफ्ट करने के लिए ये थ्री पाई बाय फोर को पाई माइनस पाई बाय फोर लिखेंगे। अब यहाँ से टेन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टेन थीटा, तो यहाँ से टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, तो यहाँ से टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा हो जाएगा, तो माइनस टेन पाई बाय फोर। अब यहाँ से इसको हम थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ से टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो है माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस पीछे हो गया और एक्स का काम करेगा कौन, ये टेन पाई बाय फोर। अब यहाँ से टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, टेन इनवर्स टेन, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू होता है थीटा, तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा पाई बाय फोर आंसर, और पीछे माइनस था ये माइनस लगेगा, ये जो माइनस है टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस टेन पाई बाय फोर, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, टेन
साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ठीक है, अब यह देखिए ये टेन में है तो इसको टेन में बदलेंगे। तो टेन में बदलने के लिए ये ट्रायंगल बना लेंगे, साइन थीटा होता है आपको ये 3/5 यानी पी बाय एच, तो ये आपको बेस बन जाएगा 4। ये टेन थीटा, ये कॉट है तो इसको टेन में बदलने के लिए कि आराम से आपको टेन उल्टा कर देंगे तो यहाँ से आपको हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू पी बाय बी, मतलब ये पी बाय बी नहीं 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट का। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं टेन टेन इनवर्स, ये टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंबाई आधार तो 3/4, इसमें भी 10 में बदलेंगे तो ये 2/3। अब यहाँ से 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला होगा, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फार्मूला होता है ये 3/4 प्लस 2/3 बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो यहाँ से ये 10 हुआ, 10 10 इनवर्स, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा आपको एलसीएम हो जाएगा 12 3 3 9 प्लस 4 2 9 बट्टा 1 माइनस 6/12। तो 10 इनवर्स 17/12, ये 12 ऊपर चला जाएगा, अब 12 में से 6 गया तो 6 ये कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा 10 इनवर्स 17/6, तो ये आपको हो जाएगा 17/6 आंसर। ठीक है, चलिए अगले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या है, साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो यहाँ से देखिए साइन इनवर्स सबसे पहले माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये जो माइनस एक्स है ये पीछे माइनस चला जाएगा, तो साइन पाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो अब यहाँ से साइन पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री 1/2 तो पाई बाय 6, तो यहाँ से साइन पाई बाय 3 प्लस ये साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, तो थीटा की जगह पाई बाय 6, तो यहाँ से साइन इसका एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम आएगा, तो 2π और प्लस पाई साइन 3π/6, तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 21 क्या है, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो यहाँ से कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो यहाँ से टेन इनवर्स √3 माइनस ये पाई, ये कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स का काम कौन करेगा √3, तो यहाँ से टेन इनवर्स, टेन कितना डिग्री √3 तो पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स, कॉट कितना डिग्री √3 तो पाई बाय 6। ठीक है, यहाँ से टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, तो यहाँ से पाई बाय 3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा, तब थीटा की जगह पाई बाय 6। इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पाई माइनस पाई बाय 6 आपको हो जाएगा ये 6π माइनस पाई बाय 6, तो यहाँ से पाई बाय 3 माइनस 5π/6, फिर एलसीएम लेंगे 3 6 का तो 6 हो जाएगा, तो ये 2π माइनस 5π, तो माइनस 3π/6 इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 आंसर हो गया। ठीक है, उसी के साथ आपको 2.2 का चैप्टर फिनिश हो गया, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मिसरेनियस का क्वेश्चन।